बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद के निर्देश पर तहसीलदार बांदीपुरा शेख तारिक के नेतृत्व में अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने कोविड उपयुक्त व्यवहार के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए शहर के कई कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। गाइडलाइंस आई थी तो आज हमने डीसी साहब की हिदायत पे मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर्स थे या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे क्लासेस चल रहे थे वहाँ गए, न सिर्फ उनको एजुकेशन दी इस कोविड के हवाले से, रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, बल्कि ऑन स्पॉट ही हमने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स सीज किए। सांबा जिला के सोम्बा ब्लॉक अंतर्गत सरकारी मिडिल स्कूल चांडली की चारदीवारी का काम शुरू हुआ। मिडिल स्कूल चांडली की चारदीवारी का काम शुरू नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी। जब इस मामले की शिकायत डीसी अनुराधा गुप्ता के पास पहुंची तो उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित बीडीओ सुंब को मौके पर भेजा। स्कूल में हुए बैठक में फैसला लिया गया, चारदीवारी का काम शुरू हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के सरपंच और पंच सहित अन्य लोग बैठ के काफी बातचीत हुई। लास्ट में उसमें कंक्लूजन ये निकला कि ये जो चारदीवारी है ये भरनी चाहिए, बहुत जरूरी है। स्कूल में बच्चे भी काफ़ी हैं, अगर ये बाउंड्री वॉल बन जाएगी जहाँ पेड़ पौधे फूल वगैरह कुछ अच्छी सीनरी स्कूल की बनेगी, और ये बहुत पुराना स्कूल है। जोनल शिक्षा अधिकारी हंदवाड़ा ने वायरल खबर का खंडन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबर आई है वो चार दिन पहले की है, हम इस आदेश का खंडन करते हैं। हमने आज की डेट में या कल हमने कोई भी आर्डर नहीं निकाला है। कल डीसी साहब का आर्डर आया है, वो आर्डर हम लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तमाम स्कूलिंग जो है वो उन्होंने ऑफ किया है, और हमने अपने तमाम जो हमारे विंटर कैंप्स चल रहे थे, विंटर ट्यूटर चल रहे थे, उन सबको कहा है वो बंद रहेंगे। ये आज से चार दिन पहले 7 तारीख को हमें मौसम के बारे में चंद टीचर्स ने पूछा था और हमने ये न्यूज़ डाली थी। किसी ने, किसी बदअंसर ही कहें, उसने इसको सर्कुलेट किया है। आज की डेट में इस पर कोई डेट नहीं लिखी हुई है, ना हमने कोई ऐसा आर्डर निकाला है, और हम अभी इसकी तरदीद भी कर रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय के बच्चों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, और साथ ही बच्चों ने कहा कि कोविड के दौरान वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं देंगे। जैसा कि हमारा ये जो कोर ग्रुप है, हमारी हेजिटेशन का जो कोर ग्रुप है, हमने ये डिसाइड किया है क्योंकि कल के जो कोविड के जो भी केस आए हैं आधी जगह पे हमारा स्टाफ की बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल में स्टाफ है वो पॉजिटिव आ गया, और अंदर जो काम करने वाले हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं, और हम इधर जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इस टाइम जो है हमारी, हमें जॉब की नहीं, जनता को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे जो कोर ग्रुप एजिटेशन है, हमने ये डिसाइड किया है कि हम जाके अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी सेवाएं जो हैं देंगे आम जनता के लिए। ECR अनंतनाग ने अनंतनाग शहर में CAB प्रवर्तन अभियान चलाया, सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। कोचिंग संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के संचालन पर सतर्कता जांच के लिए उड़न दस्ते का गठन किया गया। तरफ से एक ये ड्राइव जो हमने इनिशिएट की, ये तहसीलदार साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर साहब ने इनके हमरा, तो बहुत सी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें हमने विजिट किया, सरप्राइज चेक हुई। कोशिश यही है कि जो कोविड का एक बार फिर से एक हम देख रहे हैं रिसर्जेंस हो रही है, इसको रोकने के लिए लोगों में ये सेंसिटाइजेशन बढ़ाई जाए कि मास्क यूज़ करें, कोविड अप्रोप्रिएट मेजर का यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं केसेस ऑल ओवर द कंट्री बढ़ रहे हैं, और जिनके कुछ दिनों में केसेस जो है उनमें कुछ आया है। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद के निर्देश पर 2 मरीजों को तत्काल चिकित्सा राहत के लिए बर्फीले गुरेज घाटी से बांदीपुरा ले जाया गया। डॉक्टर विकास शर्मा ने जम्मू में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जिसमें दर्जनों लोगों ने भाग लिया। वहीं लोगों को चेकअप के साथ साथ फ्री में मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। डॉक्टर विकास शर्मा ने ये ऑर्गेनाइज किया था कैंप। इसका मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस लगाई जाए, लोगों को जागृत किया जाए,
और लोगों को मैं समझता हूँ कि खबरदार भी किया जाए कि अपने आप को बचाने के लिए जो सरकार के प्रोग्राम है, सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, सख्ती से फॉलो करें, और जो लोग हैं वो अपने आप को खुद बचाने की कोशिश करें। डीसी रियासी चरणदीप सिंह ने आज एक बार फिर लोगों की समस्याओं का जायजा लेने के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किया है। इस प्रोग्राम का नाम रियासी बीप्स रखा गया है। इस प्रोग्राम में जिला का कोई भी व्यक्ति सीधे फोन कॉल के जरिए डीसी से बात कर सकता है और अपनी इलाके में आ रही परेशानियों को प्रशासन तक रख सकता है। नायब तहसीलदार शोएब परवेज ने कहा कि जिला परिसर किस्तवाड़ में बिना कोविड जांच के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि किस्तवाड़ प्रशासन किस्तवाड़ के लोगों को कोविड एसओपी के लिए एक बार फिर आग्रह कर रहा है कि अगली बार प्रशासन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जानते हैं कि अभी जैसे कि जम्मू में कुछ एक दो दिन पहले ही वहाँ पर 32 केसेस आए थे डीसी ऑफिस में, उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें एलजी साहब ने डिपकॉम्स को, डीसी साहिबांस को और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने अटेंड की मीटिंग, और उसके बाद कोविड के लिए अलग से गाइडलाइंस आ गई क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से सीवियरली फैल रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे डीसी साहब हैं किश्तवाड़, इन्होंने यहाँ पर कल ही एक रात को ऑर्डर पास किया जिसमें मुझे यहाँ पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बनाया गया और ये सैम्पलिंग करने के लिए कहा गया। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ यहाँ के जो, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि डीसी ऑफिस एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है।